अगर जम्मू कश्मीर के हालात बढ़िया होते तो जम्मू कश्मीर में बैठ के हम नारे लगा रहे होते, इनके जयकारे बजा रहे होते। जितने धरने प्रदर्शन यहाँ दिख रहे हैं ना दिल्ली सेंटर में, जम्मू कश्मीर के अंदर सेम ऐसी हालात है आज की डेट। जम्मू कश्मीर जिसको स्वर्ग बोला जाता है वो दरअसल ऊपर का स्वर्ग है, नीचे से वो जहन्नुम बन चुका है, यानी कि नर्क बन चुका है। गोदी मीडिया है, अल्लाह ताला उनको नेस्तनाबूद करेंगे। कहाँ सुधरे? कल ने देखा नहीं, दो बाहर के मजदूरों को मारा गया। ये जो आजकल गोदी मीडिया है ये सरासर झूठ दिखा रहे हैं, जो, जो 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 कश्मीर में हो रहा है। हम गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है। अरे स्वर्ग बन गया है जम्मू कश्मीर और नरक बनाया इस भाजपा सरकार ने। किसने बोला स्वर्ग बन गया नरक बनाया हमारे जम्मू कश्मीर में? धारा 370 हटाया उन्होंने। मेरे ख्याल से जो आज 2014 में हमारा जम्मू कश्मीर था, हमको वही जम्मू कश्मीर चाहिए। जनाब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदुस्तान के हुक्मरानों से, वही हमारा जम्मू कश्मीर, पुराना जम्मू कश्मीर। और जनाब उन्होंने 5 अगस्त 2019 वादा दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलेंगे, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देंगे। सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं, कोई वादा आज तक सच नहीं निकला है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के साथ सुतुली माँ का सुलूक अभी तक नहीं हुआ, हम कैसे जंतर मंतर पे आएंगे जनाब? और मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटियां आज सड़क पर है। क्या इन नेता लोगों की कोई बेटा या बेटियां सड़क पर है? गरीब लोगों का बेटा और बेटियां सड़क पर है। मुझे बताइए अगर सुतेला व्यवहार ना कर रहे होते तो हमें शौक नहीं है जंतर मंतर में बैठ के अपना पसीना बहाने का या चिल्लाने का। अगर जम्मू कश्मीर के हालात बढ़िया होते तो जम्मू कश्मीर में बैठ के हम नारे लगा रहे होते, इनके जयकारे बजा रहे होते। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे रोजगार लोगों को मिले होते, हमारे नौजवानों को अगर उनको नौकरियां मिली होती, वो नशे की तरफ आके अपनी जाने ना गवा। तो रोजगार देने के लिए तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया ना उसको, उन्होंने कहा नहीं देखिए मुझे नौकरियां देंगे इंडस्ट्री लगेगी। मुझे एक बात बताइए, जिस केंद्र उसको यूटी बनाया, पहली बात है एक स्टेट को यूटी बनाना अच्छी बात तो है, प्रमोशन से डिमोशन करना क्या अच्छी बात होती है, खासकर अपने देश के लिए। दूसरी बात हुआ वहाँ पे विकास हुआ ऐसे धरने प्रदर्शन अखाड़ों का, जितने धरने प्रदर्शन यहाँ दिख रहे हैं ना दिल्ली सेंटर में, जम्मू कश्मीर के अंदर सेम ऐसी हालात है आज की डेट में। हर एक डिपार्टमेंट के बाहर धरने प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। काश कभी आप जम्मू आइए, आपको एक एक चीज हम वहाँ पे। अरे अच्छा अच्छा, तो मैं कहता हूँ जहाज के अंदर तो सब बढ़िया बढ़िया होता, जहाज से नीचे जमीन पे उतर के तब पता चलता कि जमीन के अंदर क्या है। और दूसरी बात मुझे बताइए, हमारे नौजवान जो हैं बेरोजगारी को पीछे छोड़ते हुए नशे को पकड़ते आ रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। आए दिन वहाँ पे ड्रग्स या ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ पे बरामद होती हैं और हमारे नौजवानों की जो जाने हैं वो जा रही हैं। मुझे बताइए ये जम्मू कश्मीर को बदलाव या यूटी बनाने के बाद ये सिला देना था उनको, और उसके बाद हमारे डेली वेजर्स जो 25 साल से हमारी डिमांड है, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर को एक तो स्टेट बना दें, दूसरा हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे दें, तीसरा हमारे जो डिपार्टमेंटली डेली वेजर्स हैं जहाँ वहाँ पे इस टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनको परमानेंट करवा दें, और स्मार्ट सिटी की जो बात करते हैं उनको सारा ढंग से वहाँ पर करवा दें। और अमित शाह जी, हमें आपकी जान नहीं चाहिए, हमें आपका काम चाहिए। अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको जान देने की नौबत नहीं आएगी। आपके जयकारे जम्मू कश्मीर से टहलते हुए और पूरा जम्मू कश्मीर आपका नाम लेते हुए यहाँ पे आएगा। और अमित शाह जी, आप कुछ दिन पहले जम्मू दौरे पे आए थे, रजौरी गए, कश्मीर गए, रजौरी की हवा खाई, कश्मीर के डल में घूमे, वहाँ के रिश्ते गुस्तावे खाए और वापिस आ गए। आज थी हमारे डेली वेजर्स 60,000 PHE मुलाजमत को कि अमित शाह जी आएंगे जोली में, हमारे खुशहाली दे के जाएंगे, दिवाली की गिफ्ट दे के जाएंगे, लेकिन खाली हाथ घूम के चले गए। वहाँ पे कास्टिज्म का कोई मैटर नहीं है, कास्टिज्म तो पहले करवा चुके हैं, यही करवा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे PHE डिपार्टमेंट गिनते जाना, PHE डिपार्टमेंट, RNB डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, आपका रहबर खेल जंगलात वहाँ पे, उसके बाद आप कंट्रेक्चुअल टीचर, BDS डॉक्टर, वहाँ पे NHM वर्कर, और वहाँ पे हमारे JKPSA के बच्चे,
हमारे उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे, हमारे जेई, हमारे अपना कुछ और, हमारे वोकेशनल टीचर्स, जहाँ हमारे और भी डिपार्टमेंट जो आज भी तहस नहस होके धरनों में बैठे हैं। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर धरना पे इनके आगे डिमांड उठाने जाएं तो पुलिस को बुला के लाठियां मराते, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको डंडों से पिटवाया जाता है वहां पे। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर की। मुझे बताइए, अगर आपके पास सरकार है, पावर है, तो करो परमानेंट उनको। 25 साल से जिन्होंने गलती की है तो आप मत करो ना, आप गलती क्यों करोगे। मैं कहता हूं उससे बदतर, मुझे बताइए, 5 साल से जिसने रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरा एडवर्टीजमेंट के तहत, जिस बच्चे के रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई, जिस बच्चे का स्कैम्स हो गया, वो 5 साल के बाद और नया फॉर्म कैसे भरेगा। जिसकी एज 28 है, वो 35 साल हो जाएगा, वो 28 वाली कैसी एज कवर करेगा, मुझे बताइए। ये चीज़ बताइए, अगर आतंकवाद खत्म होता, आए दिन बाहर के लोग, हमारे भाई मारे जाते हैं, लोकल मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, कहाँ खत्म आतंकवादी। पत्थर खत्म करने के बाद उन्होंने जो उनके हाथों में ड्रग्स जैसा टीके दे दिए ना, वो उससे भी खतरनाक है। मैं कहता हूँ फिर भी हम आमने सामने लड़ सकते थे, लेकिन हम अपने बच्चे, हमें भाई साहब नाराज ना होते तो यहाँ खड़े ना होते, अपने घरों में आराम से बैठे होते, अपने भाइयों के साथ बैठे होते, अपने जम्मू कश्मीर की खुशहाली में बैठे होते। जम्मू कश्मीर जिसको स्वर्ग बोला जाता है, वो दरअसल ऊपर का स्वर्ग है, नीचे से वो जहन्नुम बन चुका है, यानी कि नर्क बन चुका है। मुझे बताइए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म का फूल खिलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब यहाँ पे सारे हैं। मुझे बताइए, मैं एक कौम को लेके कैसे बोल सकता हूँ, सारी कौमें एक है और हिंदुस्तानी है सारे। और जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान के हक के लिए बात करेगा, जो हिंदुओं के हक के लिए बात करेगा, जो अपनी हर एक कौम को लेके चलने वाला होगा, वही सच्चा हिंदुस्तानी होगा, वही सच्चा लीडर होगा। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए हैं, वो पूरी तौर वो वादे पूरी करो। अगर वो वादा पूरा नहीं किया है, हम जम्मू कश्मीर के लिए जान देंगे, हम जम्मू कश्मीर के लिए खून देने के लिए तैयार है, हम हर दिन भाजपा के खिलाफ ढोल बजाते रहेंगे, और तब तक जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा। यही ना जनाब, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देना, कैजुअल लेबर डिलीवरों को रिगुलराइज करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि जनाब, जेएनके का जो वादा दिया 5 अगस्त 2019 में, कहाँ गए वो वादे, वही वादा पूरा करना चाहिए। चट्टी पड़ी है उनको, बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे, उनको रिजाइन करना चाहिए। मैं जब ऐसे कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब और गृह मंत्री साहब को रिजाइन करना चाहते हैं, दो ही लोग चलाते हैं आज पूरा हिंदुस्तान, एक हमारा गृह मंत्री साहब और दूसरा है हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब। जनता किस लिए चुना रही है, देखना आगे आगे होता है क्या, वही होता है जो मंजूर है, खुदा होता है। ईवीएम मशीन का कमाल है जनाब, इनके अंदर, इनके बीजेपी के अंदर अंतर्यामी बैठे हैं, इनके अंदर केदारनाथ के स्वामी बैठे हैं, जो बता देते हैं कि आने वाले इलेक्शन में 25 सीटें हमारी हैं, 5 उनकी हैं, तो 25 के बाद 26 ही उनकी आती है, बराबर कॉन्फिडेंस रही जनाब। चोरी, इसको चोरी बोलते हैं, और चोरी है। मुझे बताइए, अगर जम्मू कश्मीर छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी, यहाँ पे सुप्रीमो पावर है, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनके हक में, तो हम आम आदमी क्या कर लेंगे, हम लोकल आदमी क्या कर लेंगे। और जहाँ पे बोलते हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए, तो इनको 401 ही आती हैं, 400 से कम नहीं आती। क्यों, ये कोई, मुझे बताइए, महर्षि हैं या किसी वहाँ के पहाड़ी एरिया से कहीं वो अंतर्यामी बन के हैं? अगर गड़बड़ ना करते तो मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर फोन कॉल्स करवाई जा रही है इनके थ्रू, कि मुझे बताइए आने वाले इलेक्शंस में किसको वोट डालेंगे, कौन अच्छी पार्टी है, कौन अच्छा लीडर है। अगर इनको डर है तो क्यों करवाते हो फोन कॉल। मैं कहता हूँ लगी प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट की, धरनों की इंडस्ट्री लगी वहां पे, प्रोटेस्ट की वहां पे लगी। और उसके बाद मुझे बताइए कि अगर हमारे नौजवान, जहाँ हमारे लोग, जहाँ हमारे डेली विजर्स, अगर वहां पे आज प्रोटेस्ट ना करते तो फैक्ट्रियों में बैठे होते। कहाँ फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियां हमारे लोगों की जो थी वो भी बंद करवा दी, कईयों को परमिशन नहीं दी, कईयों को वहां पे बिजली का बिल नहीं भरने दिया, कईयों की सीज करवा दी, तो इंडस्ट्री लगाने के बजाय उल्टी बंद करवा दी। कोई इंडस्ट्री वहां पे नहीं है, मुझे बता दो कौन सी खोली वहां पे, मैं भी काम करने। तो गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया। मैं यही दावा से कहना चाहता हूँ जंतर मंतर पे, उन्होंने सच, ये सच नहीं दिखाते हैं, ये जो भाजपा वाले बोलते हैं वही दिखाते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज नहीं दिखाते हैं जनाब। हम सोशल मीडिया से प्यार करते हैं, हम उनके ताबेदार हैं, इंशाल्लाह हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, जो सोशल मीडिया है पूरे हिंदुस्तान में, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामत रखे, जो
गोदी मीडिया है, अल्लाह ताला उनको नेस्तनाबूद करेंगे, क्योंकि उन्होंने आप आइए कभी वहाँ पे, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप बोल रहे हैं कि एक बार आ जाओ कश्मीर में, मैं दिखाऊंगी वहाँ के हालात क्या है। और आपको भी वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे मतलब कि एक फाउंडेशन लाई जाएगी कि आप यहाँ पे इंटरव्यू नहीं ले सकते। मुझे बताइए, मीडिया फोर्थ पिलर होता है मतलब कि हिंदुस्तान का, तो फोर्थ पिलर को जो छोटी छोटी आवाज़ उठाने वाला होता है, जो गरीबों की आवाज़ उठाने वाला, अगर उसको भी अनुमति ना दें तो मुझे बोलो फोर्थ पिलर क्यों बोला जाता है मीडिया को? और मीडिया को एक बार खुद में आई फाउंडेशन है, मैं कहता हूँ खुद आई विटनेस हूँ, एक साइड बीजेपी की रैली थी, दूसरी साइड में खुद इंटरव्यू देता, पुलिस वाला आके वहां पे उसके इंटरव्यू रोक दिया और मीडिया वालों को बोला कि तेरे को मैं लाठी मारूंगा नहीं तो अंदर बंद कर दूंगा, दफा यहां से। ये हालात है मीडिया के भी वहां पे। मुझे दुख हुआ इस चीज देख के कि जो आवाज उठाने वाले और आवाज के साथ जो आप जैसे हमारे भाई हमारा साथ देने वाले, उनको भी गालियां दी गई। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये मुझे पता, ऐसा डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर? डेवलपमेंट होती है। और बात करते हैं कि हम लोग जो है कनाडा जैसे USA जैसे आपकी हालात बना देंगे, ऐसा बना देंगे, मुझे बोलो कनाडा और USO में आपके जैसे तानाशाही नहीं चलती। हर 5 साल के बाद चेंजिंग होती है। और हमारे सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे वहाँ के रिफ्यूजी, देखिए POJ के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जिसको बोला जाता है, और आने वाले इलेक्शन में जिसको डाल बनाया जा रहा है कि हम वो लेंगे। मुझे बताइए वहाँ के लोगों को पहले पैसा तो पूरा दे दें। 2200 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर में हमारे उन लोगों के लिए आया पहली किस्त, जो पहली इंस्टॉलमेंट, उसमें से 10,000 कुछ फैमिलियां आज भी पेंडिंग पड़ी हो पैसा का। 93,9 करोड़ रुपया हमारे उस रिफ्यूजी फैमिली के लिए आया है, वो पैसा कहाँ है? पिछले 6 साल से हमें पैसा वो नहीं मिला आज तक। ये गपले नहीं तो क्या है?